मैं बहुत ही गहरी नींद में सो रहा होता हूँ, तभी मेरी भांजी आकर के मुझे जगा देती है। बोलती, मामा उठ जाओ, आज मेरे स्कूल में फेयरवेल है, बताओ इन दोनों में से कौन सी साड़ी पहन के जाऊँ। मैंने शिवा से कहा, दोनों साड़ी मुझे पहन करके दिखाओ, जो भी साड़ी बेटर लगेगी वही पहन के चली जाना। तो सबसे पहले उसने ब्लू वाली पहनी, जो कि देखने में ज्यादा अच्छी नहीं लग रही थी। अब मैंने कहा ब्लैक वाली पहन के दिखाओ। शिवा ब्लैक वाली साड़ी पहनने लगती है और मैं देखता हूँ कि अन्नू ने ब्लू वाली साड़ी का ब्लाउज भी टाइट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अन्नू चाह रही है कि ब्लू वाली पहने और मैं चाह रहा हूँ कि ब्लैक वाली पहने। अब आप लोग डिसाइड करिए कि ब्लैक वाली साड़ी ज्यादा अच्छी लग रही है कि ब्लू वाली ज्यादा अच्छी लग रही है। तभी मैं शिवा से पूछता हूँ, तो शिवा बोलती कि मेरे पास एक साड़ी और रखी है, ये साड़ी भी मुझे ज्यादा पसंद नहीं आई। तो मैंने शिवा को बोला कि आप ब्लैक वाली साड़ी ही पहन के जाओ। और ये क्या, अन्नू को गुस्सा आ गई क्योंकि ये ब्लू वाली साड़ी का ब्लाउज टाइट कर रही थी। फिर शिवा ब्लैक वाली साड़ी लेके चली जाती है तैयार होने, और जब तैयार होकर के आती तो देखिए कैसे रैंप वॉक कर रही है, 4-5 बार किया और फिर भी ठीक से नहीं कर पाई। चलो हालांकि जैसा भी किया अच्छा ही है। मैं भी जल्दी से तैयार होकर के शिवा को लेकर के चल देता हूँ स्कूल की ओर। अब आप लोग भी वीडियो को लाइक कर दीजिए।